यार आज का सीन ये है कि पहले मैं जाऊंगा किसी 5-स्टार में खाना खाने, फिर मैं जाने वाला हूँ किसी ढाबे में और खाना खाने। बट भाई द चैलेंजेस मेरे पास ना सिर्फ 2000 रुपए हैं। बेटा जी इसका मतलब ये है दैट वी आर ऑन अ बजट टुडे एंड टू बी ऑन दैट फेयर एंड इक्वल कॉम्पिटिशन वाला सीन। तो मैंने सोचा यार इन 2000 रुपए में से ना मैं 1000 रुपए खर्च करूंगा ढाबे पे और 1000 रुपए खर्च करने वाला हूँ 5-स्टार में। ओ एक सेकेंड, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 1000 रुपए में कुछ आएगा 5-स्टार में। There's only one way to find out. For this challenge, मैं जाने वाला हूँ Welcome Hotel by ITC. Honestly, I've been to a lot of luxury hotels in my life. I even remember eating 6 pieces of momos for rupees 1150 at Hyatt. Oh हाँ, how can I forget वो 1300 रुपए वाली दाल मखनी from the ITC hotels. आज का सीन ना यार मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है। यार मैं ना अभी हूँ वेलकम होटल में बाय आईटीसी और जब मैं अंदर आया ना देन होटल वालों ने मुझे ये बोला कि यहाँ पे ना एक साउथ इंडियन फेस्टिवल चल रहा है। आई मीन आप अगर देखोगे यहाँ पे सारे वेटर्स ने भी दे आर वेयरिंग साउथ इंडियन अटायर्स फॉर टुडे दे आर नॉट सर्विंग आला कार्ट, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। तो बुफे है, आप बुफे ले सकते हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि बुफे का प्राइस क्या है, इन्होंने मुझे कहा 1600 एंड टैक्सेस। आई वॉज लाइक ओह नो यार, आज ही मेरा पोपट करना था। तो मैंने ना यार फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे आला कार्ट से सर्व कर दें क्योंकि मेरा ना पेट भरा हुआ है और मुझे इतना ज़्यादा नहीं खाना। देन ऑफकोर्स द 5-स्टार सर्विस दे एग्रीड और मुझे उन्होंने वो स्कैनर ला के दे दिया। तो मेन्यू इज़ हेयर। अब भाई टास्क है कि हम इसमें से देख रहे हैं एंड वी हैव टू ऑर्डर समथिंग जो कि आज के हमारे बजट में फिट आ जाए। सो डू यू वांट टू डू ऑरेंज जूस? वी कैन डू ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस इज़ फॉर ₹235। फिश फिंगर्स आर लाइक माई फेवरेट बट 765 यार फिश फिंगर्स ही तो हैं। कोरियन चिकन बोल 765। भाई मैं ऑर्डर क्या करूं? ये मैं एक चीज़ ऑर्डर करूंगा मुझे लग रहा है टैक्सेस इतने ज़्यादा लग जाएंगे कि ओके आई थिंक आई फाउंड समथिंग। यहाँ ना यार स्प्रिंग रोल और पनीर टिक्का है, ये कुछ 400 रुपये के आसपास का है। आई थिंक आई माइट ऑर्डर दैट। एक्सक्यूज मी, मे आई ऑर्डर 1 वेजिटेबल स्प्रिंग रोल एंड 1 तवा पनीर? या 1 वेज स्प्रिंग रोल एंड 1 तवा पनीर। That's it. 1000 रुपये गए मेरे। 2 hours. Guys, my food is finally here. Okay, I've got 6 pieces of spring roll and 4 bricks of paneer. यार ये spring roll और paneer की quantity देख के मुझे लग रहा है मेरा पेट तो भर जाना चाहिए but मैं पहले इन सबको आपको taste करके बता देता हूँ। Okay, भाई बड़ा मसालेदार सा पनीर लग रहा है, well marinated. साथ में मुझे मिली है green chutney and some onions and some lemon. थोड़ी सी लगाता हूँ चटनी। Alright. द पनीर सो सॉफ्ट, कुछ भी करना भाई, ओवर प्राइज्ड है बट वैल्यू तो है। इनकी ये जो मिंट सॉस है ना इसके साथ पनीर टिक्का, ओए होए मस्त लग रहा है यार एकदम। यार वैसे ये वाले स्प्रिंग रोल्स मुझे पता है कैसे लग रहे हैं, जैसे ग्रीन चिक में अगर आपने ग्रीन चिक के फ्रोजन वाले स्प्रिंग रोल्स खाए तो मतलब शक्ल वैसी है। और साथ में मुझे स्वीट चिली सॉस भी दिया है। ओके नाइस एंड वेफरी। यार अंदर ना वेजीज तो इन्होंने अच्छे से लोड करके डाली हुई हैं बट द थिंग इज कैबेज मुझे ज़्यादा लग रही है। ये स्वीट चिली सॉस ना कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। आई मीन इसको ना मैंने अंदर अच्छे से डिप कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ अब ठीक लग रहा है। ऑनेस्टली फ्लेवर वाइज वैसे ये स्प्रिंग रोल्स ना मुझे वो ग्रीन चिक के स्प्रिंग रोल्स की तरह ही लग रहे हैं। मुझे स्प्रिंग रोल्स में ज़्यादा मज़ा आया नहीं ऑनेस्टली बट पनीर वो सो गुड। पनीर में मज़ा आ गया और मैं प्लेट पूरी चट कर गया। ठीक है और मेरे अंदर ना अभी बजट है पैसे का नहीं खाने का। ठीक है तो यहाँ पे अभी मैं बिल मंगवाता हूँ, लेट्स सी हाउ मच द बिल कम्स एंड 1000 रुपये में या फिर जितने भी रुपये अब मुझे यहाँ से वापस मिलेंगे उतने रुपये में राजेंद्र दे ढाबे में क्या क्या मिलता है। हाउ मच इज द बिल? 1062। For the second part of the video, I chose Rajinder Da Dhaba. अरे यार, if you don't know, मैं आपको बताऊँ, Rajinder Da Dhaba का करी चिकन is world famous. यार यहाँ पे ना आके लोग रोड साइड पे खड़े होके खाना खाते हैं
एंड दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर, बट अनफॉर्चुनेटली यार इनका ना सीटिंग एरिया वॉज अंडर रेनोवेशन, बट दैट्स नॉट गोना स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग देयर फेमस करी चिकन। यार ITC में खाना खाने के बाद ना मेरे पास टोटल रुपए पता है कितने बचे थे? 940, जिनको मैं लेके अब सीधा राजेंद्र के ढाबे पे आया हूँ। और आपको पता है मेरे पास 940 रुपीस में राजेंद्र के ढाबे से कितना सारा खाना मिला है? चिकन साटे, मटन गलौटी कबाब, राजेंद्र के ढाबे की फेमस चिकन करी, रुमाली रोटी, बस तो नहीं है यार, बहुत सारा खाना है मेरे पास। यार देखो राजेंद्र के ढाबा ना मेरे घर के काफी पास में है, और इनफैक्ट मेरा ना ऑफिस भी राजेंद्र के ढाबे के पास में था, बट मैंने आज तक कभी भी राजेंद्र के ढाबे की फेमस ये चिकन करी नहीं खाई। मैंने उनके वो फेमस मटन गलौटी कबाब नहीं खाए, ना मैंने उनके वो फेमस चिकन साटे खाए हैं। तो भाई आज तो देर इज दावत इनसाइड माय कार। और यार राजेंद्र के ढाबे का आपको सीन बताता हूँ, ऑल्दो यार वहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है बट भाई सीटिंग वगैरह अभी सब बंद है काफी समय से। एंड यार यहाँ पे पता क्या सीन होता है, एक मार्केट है, ऑलमोस्ट वो आधी से ज्यादा मार्केट राजेंद्र के ढाबे वाले की ही है, मतलब वो इतना बड़े हो चुके हैं अभी कि पूरी मार्केट इनकी है, और लोग ना खाना लेते हैं एंड दे जस्ट ईट जहाँ उनको जगह मिलती है, भाई रोड के साइड में बैठ के कहीं भी खाना खा लेते हैं, और यही सीन होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे हर रोज शाम को। बट भाई मैं आराम से गाड़ी में बैठ के आपको दिखाते हुए खाऊंगा। तो आई एम गोना स्टार्ट विद द चिकन, नो द चिकन साटे बिट। यार पता है क्या, मैंने ना 2 पीस चिकन साटे ऑर्डर किए थे, उन्होंने मुझे 3 पीस दिए, बढ़िया से इन्होंने चिकन मुझे कुक करके दिया, और इसके ऊपर यार इन्होंने मैरिनेशन किया अपनी कोई, आई डोंट नो यार कि ये स्पाइसी है, क्या फ्लेवर है इसका, वेट आई टेल यू। भाई द चिकन इज सो वेल कुक्ड, और अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूँ ना भाई, इट हैज दैट क्रीमी स्पाइसी फ्लेवर, स्पाइसी हल्का सा कम है, इट इज मोर ऑन अ क्रीमी साइड। और यार क्या पकाया है चिकन को, भाई सच्ची बता रहा हूँ दिस चिकन इज सो ओए होए, 10 में से 10 यार मुझे सच्ची रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आज तक राजेंद्र के ढाबे का वो चिकन साटे की नहीं ट्राई किया, भाई बहुत सही है। और पता है क्या, इनके ना मटन गलौटी कबाब भी बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई इनके मटन गलौटी कबाब मैंने ऑर्डर किए हैं, 4 पीस इन्होंने मुझे दिए हैं, और इनके प्राइजेस ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और भाई मतलब मैं ना मेरे से रुका नहीं गया यार, ये देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इट्स लाइक क्या बताऊँ, इट्स स्लाइमी, इट्स लाइक मलाई। वैसे एक बात आपको बताऊँ, मैंने अब तक जब भी गलौटी कबाब खाए हैं ना, हमेशा यार मुझे बढ़िया फ्लेवर लगा है, गलौटी कबाब के नेवर गो रॉन्ग इफ मेड प्रॉपरली। पर इन्होंने ना मेरे को साथ में कोई नींबू वींबू कुछ क्या बोलते हैं सैलड वैलड नहीं दिया, वो दे देते ना हरी चटनी के साथ, ओए होए मजा आ जाता सच्ची। बट भाई इनके गलौटी कबाब में ना मसाले इन्होंने अच्छे से डाले, स्पाइसी है यार, मेरे को ना एकदम से पसीने आने लग गए, और ओ भाई पानी चाहिए, पता नहीं एकदम से मेरे को लग रहा है किसी जगह गलौटी कबाब के वो मिर्चियाँ ज़्यादा पड़ गई होंगी, और वो जो वो पार्ट मैंने खा लिया गलौटी कबाब का। अब हाँ भाई दिस इज द चेस्ट पीस ऑफ दिस चिकन करी, ये मैंने ना क्वार्टर लिया है, और इसके अंदर लिटरली तेल बह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर 200 लीटर तेल है, 100 लीटर तेल मैं निकाल चुका हूँ, फिर भी 100 लीटर मेरे सामने पड़ा हुआ है, और मैं हल्की सी बाइट ले चुका हूँ चिकन की, और मुझे पता है यार इनका चिकन का फ्लेवर बहुत सही है। नाउ आई नो यार ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों है, भाई इट्स लाइक अ गिल्टी प्लेजर, मुझे दिख रहा है यहाँ पे तेल बड़ा हुआ है इतना सारा, मैं फिर भी रोक नहीं पा रहा हूँ यार अपने आप को, ये इतना ज़्यादा सही है। दिस ग्रेवी इज लाइक सूदिंग, दिस इज एक्चुअली लाइक ग्रेवी। भाई रुमाली रोटी के साथ ट्राई करता हूँ, हियर इज माय बाइट। ओह हाय, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं प्याज चटनियाँ कुछ मिस नहीं कर रहा, भाई क्या फ्लेवर है यार। यार मैं ना रात के समय एक दो बार इस मार्केट में आया हूँ, और आई यूज टू सी पीपल सिटिंग ऑन लाइक लिटरली ऑन द ग्राउंड, वो जो होता है ना पार्किंग के साइड में जो एक फुटपाथ है, वहाँ पे बैठ के भाई खा रहे हैं पसीनों में खाना, एंड आई यूज टू से भाई कैसे पागल लोग हैं यार, आराम से बैठ के अपने घर में खाओ। अब मुझे समझ में आ रहा है भाई क्या क्रेज़ है वो खाने का, लिटरली राजेंद्र के ढाबे पे ना काउंटर्स हैं, अगर आपको कुछ लेना है तो मतलब सारी डिशेस के लिए अलग अलग काउंटर्स हैं,
भाई इतनी बड़ी किचन है इनकी, जब मैं ग्रेवी लेने गया ना, आई मीन करी चिकन लेने गया, इतने बड़े बड़े उनके पास बर्तन थे, मैं फिट आ जाऊँ उन बर्तन में सच्ची। और मैं आपको बताऊँ, मुझे पक्का पता है भाई ये सारा बिक जाता होगा, आई डोंट थिंक कि कुछ बचता होगा रात तक। भाई देखो लास्ट बाइट, अब मैं जा रहा हूँ घर और घर में मिलता हूँ आपसे। मुझे आपसे ये कहना था कि आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू सून, तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।